YouTube family, welcome to my channel. And I hope you guys were doing good and आप सब घर पर अपने safe होंगे and well होंगे. So मेरे channel में आपका स्वागत है. So हर बार की तरह इस बार भी मैं एक अलग सा video लेके आई हूँ, पर ये video में मैं कोई review नहीं share करूँगी. Yes, मैं एक haul share करूँगी और इस video में मैं आपको दिखाऊँगी लाजपत नगर shopping haul plus उसमें कुछ सरोजनी नगर के भी product हैं. तो लाजपत नगर और सरोजनी नगर का मिक्स एक शॉपिंग हॉल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सो बहुत जो भी मैंने यहाँ पे कपड़े लिए हैं, बेसिकली वो विंटर हॉल है, मीन्स ठंडी के मैंने शॉपिंग किया था. तो जो भी मेरे यहाँ पे स्वेटर्स वगैरह है, जैकेट वगैरह है, स्वेटशर्ट्स हैं, जो भी हैं वो सारे अंडर 200 हैं. तो बहुत ही चीप हैं, बहुत ही सस्ता है और पहनने पर बहुत ही स्टाइलिश लगता है. तो मुझे ये सारे कपड़े बहुत ही अच्छे लगे. और जो भी दिल्ली में रहते हैं या फिर जो भी दिल्ली जाने का सोच रहे हैं, अभी तो कोविड है, जब सिचुएशन नॉर्मल होगा तब, तो फिर डेफिनेटली लाजपत नगर और सरोजनी नगर जरूर जाइएगा. वहाँ पे अगर आप 500 भी लेके जाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारा आप शॉपिंग कर सकते हो. तो बेसिकली फॉर गर्ल्स जो कि उतनी ब्रांडेड क्लॉथ्स, यू नो ब्रांडेड क्लॉथ उतना जिनको जो उतना ब्रांडेड क्लॉथ को लेके उतना नहीं है, उनके लिए बहुत ही है यूज़ एंड थ्रो. ऐसा नहीं है कि बहुत ही कपड़ा चीप मिलता है जिसे आप पहन नहीं सकते, नहीं, कपड़ा भी अच्छा रहता है, बस आपको थोड़ा सा वहाँ पे चूज़ करना पड़ता है डिफरेंट वैरायटीज़ में. सो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट. एंड आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो प्रोडक्ट मंगाऊंगी, यूज़ करूँगी, देन आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी. सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इफ़ यू लाइक माई वीडियो को. साथ ही में अगर आपको कोई मुझे रिकमेंडेशन देना होगा कि मैं किस तरह से अपने वीडियोज़ क्वालिटी इम्प्रूव करूँ, तो वो भी मुझे दे सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. विंटर टॉप है वो है कुछ इस तरह का, जी ब्लैक एंड आई डोंट नो कौन सा कलर, डार्क मस्टर्ड कलर का ये है कॉम्बो. और ये मुझे मिला था 100 रुपीज़ में, पर पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है. मैं सारी अभी कपड़ों का मैं ट्राई हॉल करके दिखाऊंगी कि मैं इस पे मैं कौन से कपड़े पे क्या ट्राई, मतलब क्या कॉम्बिनेशन करके पहन रही हूँ, तो मैं लास्ट में दिखाऊंगी, तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा. फिलहाल अभी मैं इस कपड़े का क्वालिटी एंड प्राइस वगैरह अभी आपको डिटेल में बताऊँगी. तो ये कुछ इस तरह का है, एंड यू कैन सी यहाँ पे आपको नीचे में ऐसे फ्लेयर्ड वाला मिल जाएगा, पहनने पे बहुत ही अच्छा लुक देता है. एंड ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला, 100 रुपीज़ के हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, पहनने के बाद कुछ भी चुभता नहीं है, फैब्रिक बहुत ही अच्छी है और लुक भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है. यहाँ पे नीचे आपको कपड़ा भी मिल जाएगा जिसकी वजह से ये चुभता नहीं है, कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट रहता है, पहनने पर कम्फर्टेबल रहता है. यहाँ पर आपको स्लीव्स मिल जाएंगे लाइक दिस, फुल स्लिप्स है, विंटर में है, आप इसको पहन के ऊपर से जैकेट डालो बहुत ही अच्छा लगेगा. सो इस तरह का है, यू कैन सी, मैं आपको जूम इन कर देती हूँ, इस तरह का है. बैक में आपको सिंपल मिलेगा, कुछ नहीं है यहाँ पे, बस एक हुक है, इस टाइप का डिज़ाइन है, यू कैन सी. यहाँ पे आपको पॉकेट्स मिल जाएंगे, पर स्टाइल्स पॉकेट है कुछ भी, इसमें आप रख नहीं सकते दोनों, जो कि इसके लुक को और ज़्यादा स्टाइल्स बनाते हैं. तो ये मेरा पहला टॉप है, इसे मैंने लिया था 100 रुपीज़ में. अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो आपको 80 रुपये में दे देंगे, मीन्स 80 रुपये में आपको इतना अच्छा कपड़ा मिल रहा है और कैसे ना. तो दूसरा टॉप है वो मैंने व्हाइट कलर का लिया था, बिकॉज आई रियली लाइक व्हाइट क्लॉथ्स. सो ये एक व्हाइट कलर का स्वेटर है और वाइट और ब्लैक का है इसमें कॉम्बो, जो कि इसके पैटर्न को और ज़्यादा अच्छा बनाता है. कुछ इस तरह का है, लेंथ भी अच्छा है, यू कैन सी कुछ इस तरह का लेंथ है. मैं आपको दिखाऊंगी पहनने के बाद ये कैसा लगता है. इसका भी कपड़ा काफ़ी अच्छा है, बस इसमें ये है कि आपको नीचे कुछ एक डालना पड़ेगा इनर टाइप का, क्योंकि इसके जो उलेंस हैं वो थोड़े से विजिबल है, यू कैन सी. सो आपको नीचे कुछ पहनना पड़ेगा, या तो आप वाइट डाल लो या फिर कुछ भी ऑफ कलर का डाल सकते हो, देन इट विल लुक ऑसम. कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है और ये भी विंटर के लिए है, आप समर में भी इसको पहन सकते हो, जींस के साथ आप इसे समर में पहन सकते हो, समर में भी ज़्यादा गर्मी नहीं करेगा, पर आप इसे विंटर में पहनो. एंड कपड़ा भी बहुत, फैब्रिक्स भी बहुत अच्छे हैं, और इसे मैंने लिया था 80 रुपीज़ में, मीन्स 80 रुपये में मैंने इसे खरीदा था, और कपड़ा बहुत ही अच्छा है, यू कैन सी, दिस इज़ हाउ ना. अभी मैं आपको तीसरा दिखाती हूँ. सो तीसरा बेसिकली येलो कलर में है, और ये भी एक स्वेटर है, ये उलन स्वेटर है बेसिकली, जो पहले हमारे जो मम्मी लोग बुनाई करती थी उन्हीं कपड़ों से, ये उस तरह का है. ये येलो कलर है, मुझे कलर बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे लिया, और इसे मैंने 100 रुपीज़ में लिया था.
और कुछ इस तरह का है ये, यू कैन सी उलन है, पहनने के बाद बहुत गर्म गर्म करता है ये, क्योंकि ये ऊनी कपड़े का बना है और आप फैब्रिक पास से देख सकते हो, यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल है, इस पर डिज़ाइंस वगैरह, पहनने पे बहुत ही कंफर्टेबल है, फैब्रिक अच्छा है और मैंने इसे बहुत बार वॉश कर लिया है, कलर बिल्कुल नहीं जाता और आई थिंक आप इसे बहुत बार पहन सकते हो, बहुत साल तक पहन सकते हो, 100 रुपये में आपको इतना अच्छा मिल रहा है और क्या चाहिए। सो दिस इज़ हाउ ये यहाँ के स्लीव्स हैं, यू कैन सी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है, कुछ इसमें कलर कॉम्बिनेशन इसमें आपको डिज़ाइन नहीं मिलेगा उतना, मतलब कि ब्लैक के साथ वाइट ऐसा कुछ नहीं है, प्योर येलो है ये और कुछ इस तरह का है, सो ये भी मुझे बहुत पसंद है। तीसरा जो है वो है इस तरह का कुछ, ये आपको ब्राउन और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ये बहुत ही ढीला तो नहीं है पर हाँ लूज़ है, ये बहुत कंफर्टेबल है अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो रात में एंड आपको कुछ ऐसा चाहिए कि आप पहन के सो सको, देन दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, आप इसे पहन सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबल है, ढीला ढाला है और अगर आप जिस जीन्स के साथ इसे इन करके पहनते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो कपड़ा बहुत ही अच्छा है, फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, इसे मैंने ख़रीदा था 150 रुपीज़ में, यस 150 में मैंने इसे ख़रीदा था और कुछ इस तरह के स्लीव्स आपको मिलेंगे, यू कैन सी ये भी उलन वाला है जो उनकी मम्मी लोग बुनाई करती थी उस टाइप का ये कपड़ा है और पर बहुत ही कंफर्टेबल है और 150 में मुझे ये मिला था सरोजनी से। सो दिस इज हाउ। तीसरा जो है वो है एक जैकेट, यस जैकेट है ब्लैक कलर का एंड ये मैंने लिया था 100 रुपये में, 100 रुपये में इतना अच्छा जैकेट जो कि गर्म भी करता है, पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है और लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा है, सो 100 रुपये में मैंने ये ख़रीदा था एंड ये मैंने 100 रुपीज़ में जैकेट लिया था। आपको जब भी आप जैकेट लो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप साइज़ देख लो, क्योंकि जैकेट का एक तो कपड़ा मोटा होता है तो थोड़ा एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम होता है, तो स्वेटर वगैरह तो चलो हम एडजस्ट कर सकते हैं पर जब भी आप जैकेट्स वगैरह लो थोड़ा सा साइज़ वहाँ पर आप चेक कर लो, तो ये मेरे सही साइज़ आ गया है एंड ये मैंने 100 रुपये में लिया था एंड बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही गर्मी देता है, ऐसा नहीं है कि 100 रुपये में है तो बहुत चीप है, नहीं बहुत ही अच्छा है ये और पहनने के बाद बहुत ही वार्म करता है आपके बॉडी को, चुभता नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे आपको ऐसा कपड़ा मिल जाएगा जो कि हर एक जैकेट के अंदर होता है, कुछ इस तरह की आपको फुल स्लीव्स मिलेगी, यहाँ पे स्लीव्स पे उतना डिज़ाइन नहीं है, आगे आपको फ्रंट में ये डिज़ाइन मिल जाएगा विद 3 बटन्स पर ये बटन सिर्फ शो ऑफ के लिए है, मन नहीं होते, यहाँ पे आपको 3 बटन साइड में इधर मिल जाएंगे एंड यहाँ पे भी आपको 3 बटन्स मिल जाएंगे जिसकी वजह से ये लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं ना। यहाँ पे आपको पैक पॉकेट मिल जाएगा यहाँ पे, सो ये मैंने लिया था सरोजनी नगर से 100 रुपये में, तो ये मेरा जैकेट है। दूसरा भी एक जो है वो भी एक लॉन्ग श्रग है, उलन लॉन्ग श्रग और ये मैंने लिया था 100 रुपीज़ में, नहीं 200 रुपीज़ में मुझे ये मिला था, यस 200 रुपीज़ में, मैंने थोड़ी सी बार्गेनिंग की थी तो आई थिंक उन्होंने मुझे 180 रुपीज़ का दिया था और ये एक उलन श्रग है लॉन्ग, जिसे आप कुर्ती वगैरह के साथ या फिर अगर आप क्रॉप टॉप पहन रहे हो तो आप उसके साथ अगर आप इसे टाई अप करते हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ये कुछ इस तरह का है ये उलन एंड ये इसका बाजू है और ये इतना इसका लेंथ है, कैन सी लेंथ वाइज ये बहुत ही अच्छा है, ये मुझे 180 रुपीज़ का मिला था और ये बहुत ही स्टाइलिश है, पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है और गर्मी भी देता है, कपड़ा भी सॉफ्ट है, फैब्रिक भी अच्छा है और बहुत ही कंफर्टेबल वियर है, सो यू कैन सी आप पास से देख सकते हो। और मैंने सारे कपड़े बहुत बार वॉश कर चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ तो कलर जाने का कोई भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा पर्सनली ना। अभी जो है एक है वो दिस लाइक दिस, ये यहाँ पे आपको हाई नेक का डिज़ाइन मिल जाएगा, ब्लू कलर का है ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला था और ये यहाँ पे आपको हाई नेक वाला मिल जाएगा और ये फॉर्मल के लिए भी सही है, आप इसको पहन के ऊपर से ब्लेजर वगैरह डाल लो तो बहुत ही अच्छा लगेगा फॉर्मल। ओके सो दिस इज़ लाइक दिस, ये मेरा ब्लू कलर का है और कपड़ा बहुत ही अच्छा है, फैब्रिक इसका भी सॉफ्ट है, तो इसको भी मैं रिकमेंड करूँगी। सारे कपड़े जो भी मैंने यहाँ पे रिव्यू शेयर किए हैं सारे बहुत ही अच्छे हैं, बस आपको अगर वापस मार्केट में जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा चूज़ करने में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज लाइक दिस। जो एक और है वो है लाइक दिस, ये एक स्वेटर है, इसका पैटर्न बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत ही पसंद है, कलर कॉम्बो के साथ जो ये पैटर्न बना है विद दिस डियर, ये डियर के डिज़ाइन के साथ, यू कैन सी
मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा पहनने के बाद ये बहुत ही अच्छा लुक देता है और वॉर्म भी करता है। इसका जो ये है अंदर, ये थोड़ा सा उलन वाला, मतलब ये थोड़ा सा इन्होंने रुई लगाया है जो कि थोड़ा बहुत निकलता है, बट इट्स ओके। ये 100 रुपये में मिला था, इससे ज़्यादा आप क्या उम्मीद करोगे, पर ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। नाउ जो लास्ट है मेरा वो है, मेरे आजकल जो पैरट ग्रीन कलर है वो बहुत ही ट्रेंडिंग में है, तो मैंने इस कलर का एक लिया था क्योंकि मुझे इस कलर का एक लेना था। सो ये मेरे को पड़ा था 200 रुपीज़ में, और ये भी पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। आजकल ये कलर बहुत ही, आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग इसको, इस कलर को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सो ये मैंने 200 में लिया था, ये भी बहुत ही अच्छा है ना। तो ये सब मैंने दिखा दिया आपको, इतना ही मैंने ख़रीदा था। अब मैं दिखाती हूँ कि मेरे ऊपर कैसा लगता है, आप किसी जीन्स के साथ पहनोगे तो ये कैसा लगेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। Thank you.